So good morning children, especially class 6. Today I am going to explain the lesson Samudra ki Atmakatha. Samudra means Sagar ki Atmakatha. Atmakatha means autobiography. जो अपने बारे में लोग लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा कहते हैं. आज समुद्र जो है वो खुद अपने बारे में हमें बताना चाहता है. इसके अपने थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. आप लोग ज़रा सा ध्यान दें. क्या आप कभी समुद्र देखने का अवसर मिला है? आपसे कुछ ने देखा भी होगा. इसके किनारे खड़े होकर देखने पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है. एक विशाल जलराशि जिसका कहीं अंत ही न हो. आओ आज मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ. समुद्र जो विशाल जलराशि है जिसका कोई आर पार दिखाई नहीं देता है, उसकी आत्मकथा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे. मुझे लोग समुद्र, सागर, सिंधु, जल्दी, उद्दी आदि अनेक नामों से जानते हैं. समुद्र को अनेक नामों से पुकारा जाता है. दे आर नॉन विथ वेरियस नेम्स, जैसे समुद्र, सागर, सिंधु, जल्दी, उद्धि आदि ये पर्यायवाची शब्द हैं, आदि अनेक नामों से जाना जाता है. मैं पृथ्वी के लगभग 71% भाग में फैला हूँ. 71% इज कवर्ड विथ वाटर. मैं इतना गहरा हूँ जिसका अंदाज़ा लगाना भी कठिन है. सागर इतना गहरा होता है कि जिसका अंदाज़ लगाना भी कठिन होता है. मैं इतना गहरा हूँ जिसका अंदाज़ लगाना कठिन होता है. लोग कहते हैं कि मेरी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से के बराबर है. आप सभी ने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना है. हिमालय संसार की सबसे ऊंची चोटी है. तो सागर जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी, अगर माउंट एवरेस्ट को अगर उस सागर में डुबो दिया जाए तो वह भी उसमें डूब जाएगा. यानी इतना गहरा होता है. मेरी सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रेंच में पाई जाती है. और संसार में सबसे अधिक सागर की गहराई जो है मेरियाना ट्रेंच जो है वहाँ पाया जाता है. पूरे विश्व में फैले महासागर को लोगों ने चार भागों में विभाजित किया है. तो महासागर जो है, ओशंस आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स. जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर. अलग अलग स्थानों पर लोगों ने मेरे अलग अलग नाम जरूर रख दिए हैं, लेकिन हम सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं. लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार सागर को अलग अलग नामों से अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन वे सभी एक ही हैं. अंग्रेजी में जैसे कि आप सबको मालूम है, हिंदी सागर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है ना, आर्कटिक ओशन, ये सब हैं. मेरे जन्म का इतिहास, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 3-4 मिनट तक लूँगा. मेरे जन्म का इतिहास अरबों वर्ष पुराना है. अरबों. वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण गैस और धूल कणों से मिश्रित से हुआ है. हमारे पृथ्वी का जो निर्माण है वह गैस और धूल कणों से के मिश्रण से बना है. इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी हल्की गैसें पिघल गई है और पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में वाष्प के रूप में छा गई है. धीरे धीरे सघन प्रक्रिया होने से बारिश हुई और यही पानी पूरी पृथ्वी पर फैल गया. यह पानी पृथ्वी के निचली और गहरे हिस्से में एकत्रित होता चला गया. परिणाम स्वरूप मेरा जन्म हुआ. पानी जो है गहरे हिस्से में जमा होता गया और इसी तरह सागर का जन्म हुआ. मेरे जन्म के विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है. वैसे तो मेरी प्रतियोगिता के विषय में थोड़ा बहुत तो आप सभी जानते ही होंगे. आइए मैं आपको कुछ विस्तार से बात बताता हूँ. आज इतना ही रहने दो. नेक्स्ट इशू में हम आगे बात करेंगे. थैंक यू.